बाबा डुला रहा है। तो उसके बाद में बोला ऐसे 2.5 साल से वो थोड़ा भी कहीं बस तो उनको खिलक हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अंकिता ऑफिशियल 812। और ये देखिए हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आए हुए होते हैं। एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड रंजीत है ना, उनके फ्रेंड है और ये उनकी वाइफ हैं। तो इसके पहले हम लोग ही सिर्फ जाया करते थे इनके यहाँ, मतलब बुलाते थे, तो 2 बार हम लोग चले गए। तो फिर इस बार हमने सोचा कि यार हम लोग को ही बुलाना चाहिए, क्योंकि ये तीज था, चौक चंद करके एक फेस्टिवल होता है बिहार में। तो उनकी मतलब मदर इन लॉ की हुई थी, तो वो हमें बुला रहे थे खाने पर। फिर हमने बोला कि यार उस दिन सेम डे ही तीज है और पॉसिबल नहीं है 50 किलोमीटर फिर से ट्रैवल करके जाना। तो फिर हमने उनको अपने घर ही बुला लिया था एक दिन। तो बस वही देखिए आज का दिन है जो वो लोग आए। तो हम लोग ना मतलब ऐसे स्प्राउट्स और ये कुछ भुंजा और नमकीन ऐसे कुछ बना बना के ना हम लोग खा रहे थे। और वो जो ग्लास दिख रहा है ना आपको, तो वो फील लेने के लिए ना हमने मतलब मंगाया था एप्पल फीज, जिसका कलर वैसा होता है, ऐसा लगता है कि कुछ दारू वाइन विस्की टाइप का कुछ कलर आ जाता है। पता नहीं यार, मेरे को पता भी नहीं कि सबका कलर कैसा कैसा होता है, तो आपको अगर पता हो तो आप समझ जाना, कुछ वैसा ही। तो बस हम लोग वो पी रहे थे और खा रहे थे साथ में ये। और मेरे बेटे को मैंने दिया था ना हनी लेमन वाटर, तो रात में हनी और लेमन वाटर मिलाने से शायद उसका तासीर ठंडा हो जाता है। तो इसके पहले ही इसको खांसी सर्दी थी, तो अभी प्रॉपर्ली सही नहीं हुआ था। और जब उसने पिया ना एक ग्लास, तो फिर से उसको ना ऐसे खांसी बढ़ गया था। और ये जो घोड़ा दिख रहा है ना, ये इन्होंने ही इसके लिए गिफ्ट में लाया था। मुझे तो काफ़ी प्यारा, बहुत ही क्यूट लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा, और इस ब्लॉग में आप बने रहिए एंड तक। तो आगे मेरे बेटे को का भी डांस ना देखने को मिलेगा, भी अच्छा लगेगा। देखिए डांस अब करने लग गए। थक गया। इसका आप लोग वीडियो देखे हो ना होली में, म्यूजिक बजता है। ये यहाँ कॉमेडी हो रहा है ना, पार्टी वार्टी म्यूजिक बजता है ना, डैडू शादी हो रही है, पार्टी चलो चलो डांस करना है। और ये पहुँच जाता है, बिना इन्विटेशन के जाना दिक्कत लगता है। आप पहुंच के डांस करने लग जाता है। ओपन एरिया में हो रहा था वहाँ फंक्शन, लाइट जल रहा था, खूब डांस किया ये। लगा देता है, पहुंच जाता वहाँ पे। तो क्या करे बच्चा, चल अपनी आई टाइम। मेरे भैया ऐसे ही थे, कोई भी बाराती है तो उसके डांस करेगा। मतलब क्या बोलते हैं दूसरे की शादी में, नहीं बेगाना कैसे है यार ये वाला कहावत, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाता है। हाँ हाँ मालूम है। हाँ बेटा थोड़ा खा लो, एनर्जी ले लो बेटा, एनर्जी। हाँ राकेश अंकल देंगे एनर्जी और मिताक्ष खाएगा। ओके पंखा हम बंद किए हैं वो थोड़ा सा। और फिर हमने खाने में बनाया था बैंगन आलू टमाटर का भरता और लिट्टी, मीन्स लिट्टी चोखा आप कह सकते हैं। हमने एक्चुअली उनको पूछा था आपको क्या खाना है, तो बोले कि यार मुझे सिंपल ही कुछ खाना है। तो मैंने सोचा यार चलो ठीक है लिट्टी चोखा ही बना देते हैं, ये सबका फेवरेट है, बिहारियों का तो स्पेशली है। तो इसलिए मैं ना जस्ट लिट्टी सेक रही थी और बस चोखा मैंने भंटा को, जो भंटा बैंगन जो क्या कहते हैं आप बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। तो उसको ना मैंने गैस के फ्लेम पे ही पकाया था, मतलब रोस्ट किया था। और देखिए इतना सत्तू बच गया था, तो उससे क्या होता है ना भुना भुना सा ना एक सौंधापन जो होता है आग पे पका हुआ का, वो टेस्ट आ जाता है देखिए। और फिर मैं पहले मतलब चोखा बना के ना रख देती हूँ, क्योंकि लिट्टी गर्म होना चाहिए, चोखा तो वैसे भी चल जाता है। और फिर यहाँ देखिए ये जो राकेश इनका नाम है, जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, और उनको
बोलता है ना अंकल अंकल प्यास लगी है पानी दो, तो मैं किचन में रहती तो मैं बोलती हूँ ना कि बेटा मैं दे दूँ, तो बोलता नहीं अंकल देंगे, तो अंकल ही देते हैं, अंकल से पानी पीता है, फिर अंकल को ही बोलता है रखने को। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड शूज़ पहना रहे हैं क्योंकि अभी बज गए हैं 9:30 और हम लोग अब नीचे जा रहे हैं थोड़ा वॉक करने, क्योंकि कैंपस है ना, मतलब क्लोज कैंपस है तो काफ़ी अच्छा लगता है, एक तो सिक्योर सेफ रहता है, तो हम लोग वॉक करते हैं। ऐसे भी मतलब जो इनकी वाइफ है वो हमेशा से आना चाहती थी, यहाँ पे रहना चाहती थी, वन नाइट स्पेंड करना चाहती थी, कि यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है ना इनको, काफ़ी स्पेसियस है, मतलब या दिल्ली या फिर आपको NCR ये सब कहीं भी जगह पे इतने बड़े कैंपस में आपको घर नहीं मिलेगा। ये जो आपको सीमेंट का जो पेंट किया हुआ दिख रहा है ना, तो क्या हुआ था कि क्रैक आ गया था शायद, यहाँ पर ट्रेन गुजरती शायद इस वजह से क्रैक आ गया था, तो जस्ट उसको रिपेयर किया गया, पता नहीं ये लोग कब उसको फिर से वापस कलर करेंगे। और ये देखिए हम नीचे आ गए हैं और घूम रहे हैं, और देखिए ये सारे लाइट्स लगी हैं, प्लांट्स हैं, बहुत सारे ट्रीज़ हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे ना वॉक करना। वैसे हम डेली तो आ नहीं पाते हैं क्योंकि मेरा बेटा ना मतलब खेलता है, फिर सोने का टाइम हो जाता है, बट यार हमने सोचा चलो आज तो घूमना बनता है भाई सबके साथ में। और देखिए और भी लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, अभी तो मतलब 9:30-10 के करीब हो गया था ना, तो थोड़े से लोग कम हैं, अदरवाइज़ देखिए अभी सर्दी थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी ना तो लोग और भी ज़्यादा होते हैं। और वीकेंड पे तो यार बच्चे मतलब खूब ही खेलते हैं, एकदम से खूब मस्ती करते हैं, 10-11 बजे रात तक भी खेलते रहते हैं। तो अब हम इसके बाद घर आते हैं और मेरा बेटा सोता नहीं है, तो हम सोचते हैं चलो खाना खा लें। देखिए लिट्टी चोखा और घी कटोरी में है, तैयार हो गया है हमारा, तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।